आज आनंद और आनंद का पहला दिन था और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और उनका ब्लॉग में हम लोगों का ये चीज आप देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। Hey guys, welcome to new blog. Early in the morning, और सुबह सुबह मैं निकल चुका हूँ घास लेने के लिए मेरे गिनी पिक के लिए। तो ढूंढ रहा हूँ, इससे भी तो अच्छा अच्छा मिल ही नहीं रहा है, देखते हैं। रोड के साइड में जो घास है वो थोड़ा, मतलब क्या बोले, बैल सब खा भी दिया है और बूढ़े बूढ़े भी हैं, लेकिन क्या करें, लेना तो पड़ेगा। ढूंढ रहा हूँ और जहाँ पर मिलता है वहाँ पर तो ख़त्म हो गया, क्योंकि जो घर के ओनर है वहाँ से उसको काट के फेंक दिए तो मेरा लोचा हो गया, बस वहाँ से ले नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ट्राई कर रहा हूँ खोजने के लिए, क्या करें यार, कुछ रखे हैं तो उनको भी पालना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। देखते हैं, ऐसे भी स्मोक तो अभी तक गिर रहा है, आप देख सकते हो साइड पे। ठंडा तो लगता है लेकिन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि सुबह सुबह जाता हूँ ना जॉगिंग के लिए, तो आदत हो गया है आजकल। कल सुबह नहा दिया था, थोड़ा सर्दी ज़्यादा हो गया था लेकिन अभी कम है। लेकिन क्या करूँ, करना पड़ता है यार, अपना हेल्थ को देखना पड़ता है। और जब भी जॉगिंग के लिए या रनिंग के लिए नहीं जाता हूँ तो ऐसे लगता है कि आज का दिन पर बेकार हो गया, मतलब क्या बोलो, बोरिंग लगता है और पूरा एनर्जी नहीं मिलता है सुबह सुबह। सो देखते हैं आज का दिन क्या होने वाला है, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग अबाउट दिस डे। सो लाइन में रहिए और थोड़ा ओ भाई देखिए, तो चलो देख लेते हैं थोड़ा सा, इधर नहीं है यार, पीछे जाके देखते हैं, यहाँ सामने अच्छा अच्छा मिलता है, थोड़ा खोज लेते हैं। इधर तो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, देखते हैं कौन सा वाला अच्छा है, क्योंकि सब बूढ़ा बूढ़ा हो गया भाई, क्या करें। हम खाएंगे अच्छा अच्छा, उनको बूढ़ा बूढ़ा देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, कोई देखते हैं अच्छे वाले। इस टाइप का पत्ता भी खाते हैं लोग, ये क्या सब खा खा के ये कर दिया, मतलब पीलू सब। उफ, यू कैन सी दिस बटरफ्लाई, ओ भाई ब्लार हो गया क्या, वाओ अमेजिंग। किधर जाओ, यहाँ तो नहीं है, चलो इनके लिए तो ले लिए ये ज्यादा से ज्यादा। अब देखेंगे, अभी हम भी थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे अभी सुबह सुबह, और क्या करना है मालूम नहीं। ये लोग क्या खरीद रहे हैं यार, सब लोग इकट्ठा होके, चलो देखते हैं। सब बोरा खरीद रहे थे, बोरा धान सब रखने के लिए। अभी ये मिसना उसना स्टार्ट हो गया है तो सबको रखने के लिए, सबको रखने के लिए खरीद रहे हैं बोरे बोरे। ओए रुको, थोड़ा गंदा हो गया, साफ कर लेते हैं। खाने के लिए तो है, ये बेबी देने वाला है, चलो थोड़ा साफ करते हैं इसका। चलो इनका तो हो गया, अब खाने में व्यस्त। कैसे दिख रहा है ये सबसे छोटा तेज वाला, ओ भाई, अरे स्पीड अरे स्पीड अरे स्पीड अरे स्पीड। क्या गया खाचर, ये खा ले आराम से, तेरा ही है, कोई नहीं लेने वाला तेरा, ये बेबी देने वाला है, तब तक देगा। ओए 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 ओ तेरी। चलो इनका तो हो गया, हम भी थोड़ा ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद नाश्ता करेंगे और देखेंगे क्या करना है। नहाने के लिए सोच रहे हैं, देखते हैं ज्यादा ठंडा नहीं लगेगा तो नहाएंगे। तेरा हमारा ब्रशिंग हो गया, फेसिंग हो गया, और मतलब ब्रश कर लिए, फेस धो लिया, और वैसे नाश्ता कर रहे हैं। अब ये मत बोलिएगा कि नाश्ता में क्या है, चलो दिखाई देता हूँ ये।
लाल चने, बस सुबह सुबह इसी को खाता हूँ और डायरेक्टली लंच, सेहत अच्छा रहता है इसलिए। लेकिन 2 दिन से सर्दी पकड़ दिया यार। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। समीर भैया मेरे को कॉल किए थे, कहीं बाहर जाएंगे बोल के, पता नहीं उन कौन सा मीटिंग में जा रहे हैं, शायद उन लोग का क्या ड्यूटी पड़ा है, एक क्या बोलो नाम याद नहीं आ रहा है, एक कंपनी में काम करते हैं, तो आज चलो घूमने के लिए बोल रहे हैं, देखता हूँ। मौसम ही बदल बदल किया है, जाने का मन करेगा तो जाऊँगा। चलिए थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। चलो मैं तो हो गया हूँ रेडी और समीर भाई आने वाले हैं। एक्चुअली मुझे बोल रहे हैं कि घर में बैठे बैठे क्या करेगा, चल थोड़ा घूम के आते हैं। हम समझे चलो ठीक है। एक्चुअली वो न्यूट्री चर्च में काम करते हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड कुछ है, अरे क्या है मालूम नहीं मुझे, उसे क्या लेना देना। लेकिन बोल रहा था घर में बैठे बैठे क्या करेगा, मतलब घूम घाम के आते हैं, तो मैंने सोचा कि ठीक है अब वैसे भी घर में क्या करूँगा, चल आज का दिन भी स्पेंड हो जाएगा और थोड़ा घूम के आ जाएंगे। तो आने वाला है शायद अभी खाना खा रहा होगा, मुझे कॉल किया था, तो वेट करते हैं थोड़ी देर। वैसे रेडी हो गया, ठंडा तो लग रहा है, स्वेटर पहनना पड़ेगा, करंट भी चला गया है यार, क्या करें। चलो प्रफुल भैया, समीर भाई भी आ गए, अभी हम लोग जा रहे हैं दोनों जन। कहाँ पर लेके जा रहे हैं मुझे तो मालूम नहीं है, इन्हीं को पता होगा, ये ड्राइवर को। अभी टाइम है काम करने जाने की, न्यूट्रिशन का काम कर रहे हैं, तो चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं तुरमुरा, वहाँ के बहुत सारे पेशेंट जो हैं उनको हम लोग सप्लीमेंट देंगे और ठीक करने की कोशिश करेंगे। आज प्रोफेशन ये हम लोग का, आज यही हमारा प्रोफेशन है, लोगों को ठीक करना, सप्लीमेंट देना। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। पीछे पीछे हूँ और कुछ नहीं बोलता हूँ, वहाँ जाके पता चलेगा क्या हो रहा है बोलते। तो चलिए आज का दिन थोड़ा बादल तो किया है, लेकिन थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं आज के। कमाएगा फिर भी तो चलो अभी कुतरा पहुंच गए हैं और ये समीर भाई। हेलो हेलो हेलो, कितना बार बोलेंगे तो? हेलो हेलो, बार बार हेलो कर बोलेंगे बोला। अभी हम लोग कुतरा पहुंच गए हैं, यहाँ से जाएंगे तुरमुरा, वहाँ पे कई पेशेंट हम लोग को वेट कर रहे हैं, आज तो सप्लीमेंट दे के ही ठीक करना है। स्वस्थ ही हम लोग का जीवन है, स्वस्थ ही हम लोगों का सबसे पहले प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर हम लोग ठीक हैं तो हम लोग काम जिंदगी है और हम लोग काम भी कर सकते हैं, चाहे वो खेती का काम हो या डॉक्टरी का काम हो या टीचर का काम हो या हम लोग जैसे न्यूट्रिशन का काम हो। वाह, लेक्चर सुन के तो मेरा दिल खुश हो गया। तो चलो अभी जाएंगे और एक अंकल आने वाले हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं, तो यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद देखते हैं यार। ये कुतरा मेन रोड, संबलपुर जाने वाला रास्ता और इधर उल्पा जाने वाला रास्ता, कहाँ आ रहे हैं। यहाँ से निकल चुके हैं हम लोग, सीधा अभी जाएंगे डायरेक्टली हम लोग का डेस्टिनेशन कहाँ पर है वहीं डायरेक्ट जाएंगे। हमरे मन तुरमुरा ढुक जाही, लेकिन ऑटो मुड़ा गांव थी टोली खोज के, लेकिन पूरा बेड़ा यही सब बड़े दो रास्ता है, पूरा पागला जाती हमें, कहाँ करबे देखी बेड़ा पर ले भी खोजा। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए ऑटो मुंडा, अभी अंदर जा रहे हैं पैदल। ओफ, 50 मीटर पे लेफ्ट राइट रास्ता से घूम के पड़ वाला गए हम लोग, फाइनली पहुंचे, अंदर जाके देखते हैं। ला 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 ला, और जीबा बेटा है, जीबा जीबा जीबा, चल नहीं थे चल। चलो चलो, तो ये हमारा डेस्टिनेशन, और वो थोड़ी देर वेट करेंगे, बैठेंगे बात करेंगे। ओ, मजा आ रहा है खेलने के लिए। हम लोग कभी था, अभी तो है नहीं। इधर देखो, इधर ऊपर ऊपर, इधर इधर इधर,
नहीं है खाने के लिए। अंदर जाते हैं यार। तो हम लोग का एक घर में गए थे, वहाँ काम खत्म हो गया, बाकी भाई बताएंगे। तो एक घर में गए थे, वो अंकल जी का थोड़ा पैरालिसिस प्रॉब्लम है और बहुत सारे बायोलॉजिकली उसका कंडीशन ठीक नहीं है। मीटिंग तो सक्सेसफुली हुआ, हम लोग प्रोडक्ट भी दिए। अभी एक और एक घर आए हैं तो वहाँ पे देखते हैं, उनका टेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है, फिर टेस्ट करने के बाद मिलते हैं। चलिए फिर। तो क्या नाम है इनका? दुदाल मीन्स को हम लोग टेस्ट किए, उसका स्कैन किया, तो इनका जो है बवासीर है, बवासीर प्रॉब्लम से पीड़ित है, इनका बोन का प्रॉब्लम भी है, पेन होता है इसका हड्डियां और इनका मसल्स भी थोड़ा कम है, तो उसके लिए हम लोग रेकमेंड कर रहे हैं न्यूट्रीचर स्ट्रॉबेरी। तो उसके बाद में भेज ओमेगा है, भेज ओमेगा है इनके लिए। अब इसका फायदा ये है कि अगर ये इनको कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो इनको मसल के लिए भी अच्छा है, ब्लड के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें कैल्शियम है, इसमें एनर्जी है, प्रोटीन है, फैट है, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, विटामिन B1, विटामिन B2 है, जो कंप्लीट पैकेज है ब्रेकफास्ट के लिए। उसके बाद इनको दे रहे हैं हम लोग भेज ओमेगा बेहतरीन टैबलेट है, जो कि बोन के लिए स्पेशली दिया जाता है, ताकि इनका बोन लेवल जो है स्ट्रांग हो। कम से कम एक इंसान का बोन लेवल जो है 3 kg होना चाहिए, इनका 1.5 समथिंग है, तो ये चीज रेकमेंड कर रहे हैं। उसके बाद में इनका डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो उसको बायोएस दे रहे हैं और माइंड टैबलेट। इनका ब्लड भी कम है, माइंड टैबलेट है इसका ब्लड लेवल को बढ़ाने के लिए, इसका डाइजेशन के लिए भी अच्छा है और आईसाइट के लिए भी अच्छा है। तो यही है हम लोग इसका स्कैन करने के बाद ही रिकमेंड कर रहे हैं और इनको हम लोग दे रहे हैं ताकि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। यहाँ का जो टेस्ट करने का काम खत्म हो गया, हम सक्सेसफुली हमारे अंकल जी को दे रहे हैं और 15 दिन के बाद फिर से आएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि इनका हेल्थ के ऊपर कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चलो यहाँ का काम भी हो गया, इतना लंबा चौड़ा सुन देते हैं, इतना लंबा चौड़ा लेक्चर देते हैं, वो उनका तो आदत है। ठीक है, अभी निकलेंगे हम लोग, तो चलते हैं। सक्सेसफुली हो गया काम, अभी जाएंगे हम और एक जगह पे, वहाँ पे कोई पेशेंट होगा तो उनको भी देंगे। बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर देते हैं ये इंसान। तो इनका भी थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, इनका क्या क्या प्रॉब्लम है, टेस्ट के बाद बताते हैं। चलो फिर शुरू हो जाओ। टेस्ट और माँ जी का कोको का सेट लगेगा, जो कि अभी हम लोग का फिलहाल अभी हम लोग के पास नहीं है, इनके लिए ऑर्डर करना पड़ेगा। तो आज यहाँ पे खत्म होता है, फिर अभी जाएंगे नेक्स्ट पेशेंट के पास। तो अभी हम लोग दूसरा टोली में जा रहे हैं, गांव ही है बस, टोली अलग से है, बस वहाँ पर जा रहे हैं और आज का दिन तो मेरा इधर ही कटने वाला है शायद। तो ये तो शुरुआत है, बाद में शायद मैं भी एंट्री कर सकता हूँ इनके साथ। तो अभी तो चालू है और लॉगिंग तो चलता रहेगा, लेकिन क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। ओ भाई सही है, थोड़ा सा नीचे करते हैं आज। फिलहाल आज का दिन का काम खत्म हो गया है, अभी लास्ट घर है जहाँ पे हम लोग टेस्ट करेंगे और सप्लीमेंट देंगे। तो स्पेशली आज आनंद का हम लोगों कंपनी के साथ पहला दिन है और 2-3 घर गए हम लोगों के साथ और देखे कैसा लगा कैसा नहीं। हम आनंद जी से पूछना चाहेंगे कि हम लोगों का जो काम करने का तरीका कैसा लगा, लोगों के साथ मिलना कैसा लगा, और जब हम लोग टेस्ट कर रहे थे और लोगों को सप्लीमेंट दे रहे थे, उनको क्या फील हो रहा था, ये आनंद बताएंगे। सो सब तो ठीक ही है, मतलब क्या बोलूं, जैसे कि हर घर में कोई ना कोई जैसे कि बीमार है, किसी का पैर दर्द, सर दर्द या फिर ब्लड प्रेशर, बहुत कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, हर किसी के घर में होता है, मुझे भी हुआ है, मतलब बहुत कुछ अंदर में क्या क्या है मालूम नहीं है। लेकिन जब हम लोग टेस्ट किए, जो हम लोग का एक मशीन है भैया लोग का, अभी तो मैं एंट्री हुआ नहीं हूँ,
तो मशीन से हम लोग टेस्ट किया तो बहुत कुछ कमियां महसूस हुआ, मतलब हम लोग जाने वहां से अंदर से, मतलब बहुत कुछ हम लोग सोचते हैं ना कि हम ठीक हैं, लेकिन बहुत कुछ डगमग होता रहता है, कभी शुगर का, वाटर का, ये सब का प्रॉब्लम होता रहता है, हम हार्ट का प्रॉब्लम, तो ये सब हम लोग जाने। उसके बाद अभी तो फ्री हैं घर में, तो सोचे कि भैया से थोड़ा जाएं साथ में और जाने काम कि हाँ काम कैसा है देखें जाने। फिर एक बार मीटिंग भी गए थे, वहाँ पर भी वीडियो तो नहीं बनाए फिलहाल, लेकिन मीटिंग गए थे, वहाँ पर भी देखिए बहुत अच्छा, मतलब लोग काम करते हैं इसका बहुत, मतलब क्या बोला, हर एक चीज़ का है, जैसे कि न्यूट्रिशन का, हम लोग न्यूट्रीचर्च का जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें खाने से पीने से लेकर सरप साबुन तेल, मतलब हर एक चीज, ड्रेस पत्तर जूता मोजा सब मिलता है, सब RCM का ब्रांड है, RCM का ब्रांड है, हम लोगों का, मैं ऐड करना चाहूंगा, हम लोगों का कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, उसका डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट है, जैसे कि हेल्थ रिलेटेड है, FMCG है, गार्मेंट्स है और अदर्स अदर। तो हम लोग न्यूट्रीचर्ज हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम लोग लोगों के पास जाते हैं जिनको भी जो प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड, हम लोग टेस्ट करते हैं और उस हिसाब से उन लोगों को सप्लीमेंट देते हैं। तो आज आनंद और आनंद का पहला दिन था और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और उनका ब्लॉग में हम लोगों का ये चीज आप देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा प्रोफेशन है। अब किसी को अगर ठीक कर रहे हो, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है अगर किसी को ठीक करना, लेकिन अगर आप किसी को ठीक कर रहे हो आप भगवान का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। तो मैं होप करता हूँ आगे चल के आनंद के साथ और भी काम करेंगे, ये तो पहला दिन था, आगे चल के और भी काम करेगा और मुझे बहुत विश्वास है आनंद बहुत आगे तक जाएगा। पहले तो यकीन नहीं हो रहा था मेरे को, सोच रहे थे कि क्या लेटर फटर में ढुकेंगे बोल के, लेकिन हम लोग का बाजू में ही, मेरा घर का बाजू में एक दादी जो मतलब लेटी थी बेड में लेटी थी, और जो हम लोग का फादर को अंत मलन ने देखे गए, मतलब क्या बोले, और जो हुआ था मतलब आशीष देखे गए कि आफ्टर डेड योर सोल विल बी रेस्ट इन पीस, तो उस टाइप का अंत मलन मिला। तो उसके बाद वही जो मेडिसिन था हम लोग का, ये सप्लीमेंट यही खा के वो माता जी अब चल रही हैं, जो कि पूछ रही थी उनका धान काटने जाए वो खा, यकीन नहीं हो रहा था ना, मतलब वो मतलब अच्छा, हम लोग का फादर अंत मलन दे रहे थे, कोई असरा नहीं था, लेकिन इसको खा के अभी चल रही हैं, अभी काम भी कर रही हैं, तो आप समझ सकते हो कि हम लोग का जो न्यूट्रीचार्ज कितना पावरफुल है बाकी के हॉस्पिटल के मेडिसिन। और इनका हाथ दर्द का, इसको भी न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट चाहिए। हमारे पास बेंजामिन जी हैं जो हम लोग के साथ भी काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनके साथ भी आए हैं, और हम लोग का एक टीम है, घर घर तक पहुंचाना है, स्वास्थ्य पहुंचाना है, ये हम लोग का मिशन है। और इनका ये है, इनका टैलेंट है, अगर आपका हड्डी भी टूट गया है तो अपना एक खुद का एक भगवान का दिया हुआ एक आशीर्वाद है अपनी तरफ से, तो उसका भी इलाज करते हैं। तो आपका भी अगर कोई प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड, हड्डी रिलेटेड, तो बेंजामिन से आप बात कर सकते हैं, तो या थ्रू आनंद जी से, आनंद जी के थ्रू से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको और भी ज्यादा जानना है या इसके बारे में, जो न्यूट्रीचार्ज के बारे में और कुछ भी जानना है ज्यादा, आपको किसी किसी के घर में प्रॉब्लम वगैरह होता रहता है, तो अगर बात करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए मेरे को, वहाँ से बात कीजिए, फिर हम अपना टीम से मिलवाएंगे, बात करेंगे, फिर जाएंगे घर, टेस्ट वगैरह करेंगे, उसके बाद आगे का आप देख ही लीजिएगा रिजल्ट कैसा होता है। क्योंकि हम लोग के पास रिजल्ट है, जो खाते हैं वो जानते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच आप लोग, हम लोग के साथ। लोग तो विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आजकल तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो ना, वैसे ही होता है, विश्वास करोगे करना ही पड़ेगा। तो ज्यादा नहीं बोलते हैं यार आज के लिए, और फिर और एक टेस्ट करना है, उसके बाद हम लोग लास्ट चले जाएंगे। अपने बेंजामिन जी देख रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज का भी काम करते हैं, झाड़ फूक भी करते हैं, जो आपको पसंद है वो लगा सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। हम बुद्धू लकड़ा का टेस्ट करने जा रहे हैं, उनका जो भी प्रॉब्लम है मशीन थ्रू से पता चल जाएगा, उसके बाद में हम लोग इनको सप्लीमेंट रिकमेंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। काहे कि प्रेगनेंसी टाइम में यदि हीमोग्लोबिन आयरन लेवल कम है जैसे ना, तो रे विटामिन कम बुद्धू बुद्धू लग रहा 40 42.6
इनका हम लोग टेस्ट किए तो इनका ब्लड लेवल भी कम है और हड्डी भी कमज़ोर है और इनका मसल भी कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग न्यूट्रीचर्ज स्ट्रॉबेरी का प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसके साथ ही साथ मैन टैबलेट और सॉरी गिर गया है ताकि इनका शरीर हड्डी का जो प्रॉब्लम है उनसे भी रिकवरी हो सकते हैं और ब्लड का प्रॉब्लम जो है उससे भी आप रिकवरी हो सकते हैं और जो मसल लेवल भी बढ़ सकता है। इसके लिए तो जिस प्रकार के हम लोग टेस्ट किए हैं उसी हिसाब से जो प्रोडक्ट इनको चाहिए वही प्रोडक्ट हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं, तो लीजिए और तंदुरुस्त हो जाइए। तो एक तो छोटा हो जाए आप कौन कौन टाइम में आओ। तो आज का काम खत्म, अभी जा रहे हैं हम लोग टाइजीरा घर। तो फाइनली आज का जो काम था ख़त्म हो गया, तो अभी डेजीरा जाएंगे उसके बाद वापस घर। आधा दिन का काम था लेकिन मज़ा आया, और बाद में अगर किसी को पूछना है तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए इंस्टाग्राम से और बताएंगे थोड़ा सा कुछ। तो चलिए जाते हैं घर। तो फाइनली सब तरफ घूम घाम के अभी घर में है, मतलब आए, अभी 10:30 होने वाला है। तो उधर से आने के बाद हम लोग और जगह पर गए थे, पर उधर का मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुका था। तो जो न्यूट्रीचर्ज का जो काम है वो हेल्थ से रिलेटेड कुछ, मतलब न्यूट्रीचर्ज का सप्लीमेंट मेडिसिन सब मिलता है, जो मतलब जैसे भैया बोल रहे थे RCM कंपनी से कुछ रिलेटेड है, तो उतना ज़्यादा तो मुझे मालूम नहीं है, पूरा वहाँ पर जाने के बाद पता चलेगा। तो अभी तो स्टार्ट किए हैं, देख रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं काम कैसा है, कैसे करना पड़ता है, जान रहे हैं। तो इस चीज़ को ब्लॉग के साथ ऐड नहीं करेंगे, मतलब ऐड नहीं करूँगा ये सोच रहा हूँ, क्योंकि उसमें और इसमें थोड़ा फ़र्क है ना, मज़ा नहीं आएगा नहीं तो फिर। तो उसको अलग रखना चाहता हूँ और इसको अलग रखना चाहता हूँ, तो शायद उसका और अलग सा एक ब्लॉग चैनल आ भी सकता है, नहीं तो फिर भैया का हो सकता है। सो क्या करें, करना पड़ता है यार, तो देखते हैं क्या होता है। तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे, तब तक के लिए bye and good night, see you next morning।